से हो रही बारिश की वजह से आम जनजीवन जहां प्रभावित हुआ है, वहीं प्रदेश में बारिश और बादल फटने की वजह से अब तक 10 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। सीएम धामी लगातार हो रही बारिश को लेकर अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुबह आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की व बातचीत की। बारिश काफ़ी तेज़ है और उसके कारण से काफ़ी नुकसान हुआ है। जगह जगह पर पुल टूट गए हैं, जगह जगह पर घर टूट गए हैं। लोग विभिन्न विभिन्न स्थानों पर, सुरक्षित स्थानों पर भी उनको लाया जा रहा है। पानी बहुत जगह बारिश हुई है और लोग रास्तों में भी रुके हुए हैं, संपर्क कटे हैं। हम लेकिन पूरा प्रयास कर रहे हैं हर तरीके से कि लोगों को, सभी को सुरक्षित स्थानों पर निकालें और किसी को भी कहीं पर जिस प्रकार की भी आवश्यकता हो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी दूरभाष पर बात की है और उन्होंने भी हर संभव जो भी सहायता हो सकती है उन्होंने कहा है कि वो करेंगे। और उस क्रम में अभी हवाई जो ज़रूरत है कहीं पर निकालने के लिए, जो सेना के हेलीकॉप्टर भी आ रहे हैं और 3 हेलीकॉप्टर अभी जल्दी ही पहुँचने वाले हैं, वो भी रेस्क्यू में लगेंगे। इसके साथ साथ नुकसान सब जगह पर हुआ है, लेकिन हम इस समय पर सभी से अपील करते हैं कि धैर्य बना के रखें। सरकार हर तरीके से सभी की सहायता के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, कोई अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपना संयम बरतें, निश्चित रूप से जो जरूरी कदम होंगे वो हम लोग सारे काम कर रहे हैं। किसानों का भी बहुत नुकसान हुआ है, किसान भाइयों को भी काफ़ी क्षति हुई है, उसका भी हम आकलन करवा रहे हैं और उसके लिए भी चूंकि हम जल्दी जितनी क्षति हुई है उसका आकलन करवाएंगे, निश्चित रूप से उसमें भी काम करेंगे। उत्तराखंड सीएम धामी आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करते हुए हल्द्वानी पहुंचे। यहां सीएम धामी ने पीड़ितों का हालचाल जाना और हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। खबर रुद्रपुर से है, जहां बारिश से तबाही का जायजा लेने सीएम धामी रुद्रपुर पहुंचे। सीएम ने आपदा में फंसे लोगों को राहत का आश्वासन दिया। इसके बाद सीएम हल्द्वानी के लिए रवाना हो गए, तभी अचानक उनके काफिले के सामने हाथियों का झुंड आ गया। इस कारण उनके काफिले को लगभग 1 घंटा रुकना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के सभी पूर्ण रूप से पात्र लाभार्थियों को कोविड-19 की प्रथम डोज लगाए जाने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के माध्यम से प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि कोविड के खिलाफ देश की लड़ाई में उत्तराखंड की उपलब्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड पूर्ण रूप से पात्र लाभार्थियों को कोविड-19 की वैक्सीन की प्रथम डोज लगाने वाला राज्य बन गया है। ऊधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर के सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट के द्वारा शिरकत की गई। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं में 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर सुरेश भट्ट ने नया जोश भरने का काम किया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सुरेश भट्ट ने कहा कि 2022 विधानसभा का चुनाव नजदीक है, जिसमें विजय हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सरकार के द्वारा किए गए कामों को लेकर आम जनता के बीच जाएंगे। जनता पार्टी 2022 की चुनाव की तैयारियां कर रही है, उसी के क्रम में जहां हमने अनेक प्रकार के कार्यक्रम पूरे प्रदेश में क्रमशः हम कर रहे हैं, उसी के क्रम में अभी पूरे 70 की 70 विधानसभाओं में प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आज उसी के क्रम में मैं आज रुद्रपुर इस विधानसभा के कार्यक्रम में आया हूं। इस प्रतिकूल मौसम में भी यहां के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम कैंसिल न करके ये कार्यक्रम आयोजित किया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो
होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे, नो इफ नो बट। दस हफ्ते, दस बजे, दस मिनट, डेंगू हट। दस हफ्ते, दस बजे, दस मिनट, दिल्ली से हट। चल हट परे, हट परे, हट चल हट और डेंगू। इस बार भी डेंगू को हराना है, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सार। बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड में विधायकों के एक गांव से दूसरे दल में जाने के क्रम में जिस प्रकार तीन विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, उसके बाद डबल इंजन सरकार में मंत्री यशपाल आर्य और नैनीताल से उनके विधायक रहे बेटे संजीव आर्य ने कांग्रेस ज्वाइन की। उसी क्रम में आज देहरादून में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह एक बार फिर हरक सिंह रावत और उमेश शर्मा काऊ से तकरीबन एक घंटे तक लंबी बातचीत के दौरान मिले। हरिद्वार पहुंचे आपके सीएम प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल ने महामंडलेश्वर ललितानंद गिरिजी समेत संत समाज से मुलाकात करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान महामंडलेश्वर ललितानंद गिरिजी ने आप पार्टी द्वारा उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने की घोषणा का समर्थन करते हुए उनका स्वागत किया। कहा कि हम सभी देवी देवताओं के से आशीर्वाद मांगते हैं, आप पार्टी उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने का जो सपना देख रही है वो जल्द से जल्द साकार हो सके। राजधानी की जो है घोषणा की है, हम पूरे संत समाज सभी आपका घोषणा का जो आपने घोषणा की है इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। चौबीस घंटे की बारिश के बाद आखिरकार उत्तराखंड सरकार का एक प्रतिनिधि के रूप में नैनीताल जिले के सांसद और केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट लालकुआ पहुंचे। उन्होंने प्रभावित क्षेत्र बिंदुखट्टा लालकुआ का दौरा किया। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो उसके लिए सरकार 24 घंटे खड़ी है, हर संभव मदद की जाएगी। इन सभी को लेकर के न्यूज संवाददाता उमेश पंत ने केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट से खास बातचीत की। आज बहुत ऊपर से गोला नदी के रोड रूप को देख के आ रहा हूँ। अभी बात जो गांव समाजे है इसमें लगभग पता भी नहीं है कुछ लोग। गोला के नदी के किनारे किनारे आपने देखा कि इतना बड़ा पुल जो यहाँ से लेकर पिथौरागढ़ तक जाता था वो पुल का एक हिस्सा पूरा चले गया और रोड बंद हो गई है। यहीं बाज़ार में मैं सुबह से 6 बजे से निकल गया था, रात 3 बजे तक उठा हुआ जगह जगह पर, तो नैनीताल की रोड ब्लॉक हो गई। गोला का रौद्र रूप इस बार ही लोगों ने देखा। कई लोग कहते हैं कि हमने बहुत लंबे समय के बाद ऐसा रौद्र रूप देखा है। हुआ है लेकिन ये प्रकृति की मार है, इसको हम क्या करेंगे। तटबंध भी बनते हैं, सारी चीज़ें बनती हैं, अच्छे भी बनते हैं बुरे भी बनते हैं, पर तटबंध भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये इतना भयानक रूप गोला का है, मैं आज यहाँ आके दंग हूँ कि करीब करीब 200 मीटर दूरी पर वो इन्होंने तटबंध का पत्थर दिखाया, वहाँ तक खेत थे और काटते काटते जहाँ हम खड़े हैं ये भी हिस्सा नहीं बचना है, ये भी कटना है। अभी कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री की ब्रीफिंग है, किस तरीके से उनको बताएंगे कि यहाँ यहाँ हम लोग सब हैं। मुख्यमंत्री जी को भी हम लोगों ने कहा है आप आइएगा, वो यहाँ पर उतर के सारी चीज़, इसीलिए तो मैं आया हूँ देखने के लिए।
विधायक वो भी देंगे। हमने कहा दोबारा भी चलो, आप विधायक आपकी विधानसभा है, आप अच्छी तरह से बताएंगे, मेरी संसदीय क्षेत्र है। तो जो हमारे लोग विस्थापित हो रहे हैं, जिन पर विपत्ति आई, उनको बचाने का दायित्व तो हमारा है, सरकार का दायित्व तो है। अभी मैंने हेलीकॉप्टर सेना के निवेदन किया था, 3-3 हेलीकॉप्टर आ गए हैं। रामनगर में चारों तरफ से ऐसी रौद्र नदी आई है, कोसी नदी, उसके 20 टापू में लोग फंस गए हैं, 25 लोग जिनको जान को खतरा है, उनको निकालने के लिए है। ऐसे ही जगह जगह पर बना हुआ है। तो हम हर तरफ से पिथौरागढ़ से लेकर यहाँ तक, और उधर 300-400 लोग अभी आपके बद्रीनाथ वाली रोड पर फंसे हैं, वहाँ से भी आए हैं। सरकार सब जगह आदमी लगा रखे हैं, NDRF है, SDRF है, लेकिन प्रकृति की मांग मार के लिए क्या करेंगे हम? बचाव ही तो कर सकते हैं प्रकृति की मार। आपका सही कहना है, तटबंध बनाने में अगर कोई घबरा घोटाला किसी ने किया होगा, वो उसकी जाँच की मांग यहाँ से, मुझे तो इसका पता नहीं है। हमारा घोटाला देना है। प्रदेश में हो रही लगातार बारिश से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, तो वहीं पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के चलते नदियां पूरे उफान पर बह रही हैं। यहां तक नदियों ने अपने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। वहीं कोसी और गोला नदी के पूरे उफान पर होने की वजह से रामनगर कोसी बैराज से लगातार 1,46,000 क्यूसेक पानी बह रहा है। चिंताजनक स्थिति है, न केवल यहाँ की चिंताजनक स्थिति है, सारे उत्तराखंड में जगह जगह बड़ी चिंताजनक स्थितियाँ बनी हुई हैं। और प्रशासन को हाई अलर्ट की नहीं बल्कि कुछ विजन की भी ज़रूरत है, ताकि ठीक तरीके से खतरों को एंटिसिपेट करके जो लोग खतरे की जद में हैं उनको बचाया जा सके। यहाँ भी गौला में मुझे और इस बात की चिंता हो रही है कि कहीं नदी का पुराना कोर्स इधर की तरफ न हो, तो नदी हमेशा जो है अपने पुराने रास्ते को कभी न कभी पकड़ लेती है, तो उस हालत में बड़ा खतरा हो सकता है। तो इसलिए मैं यहाँ देखने आया और मैं देख करके इस बात से चिंतित हूँ। अतिवृष्टि के कारण पूरे जनपद में जगह जगह पे संपर्क मार्ग टूट गए हैं और नदियाँ जो हैं उफान पे हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, गौला पुल का एक हिस्सा किनारे पे क्षतिग्रस्त हुआ है। सभी जगह पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है और पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। इसमें सिविल पुलिस के अलावा PAC के जवान, इसमें जो फायर सर्विस के हमारी आपदा प्रबंधन की टीम है वो, और SDRF के लोग भी लगे हुए हैं। जगह जगह पे लोगों को रोका जा रहा है और यात्रा के लिए मना कर दिया गया है स्ट्रिक्टली कि वो पहाड़ों की ओर बिल्कुल ना जाएं। और जहां पे भी नदी नाले हैं उन जगहों पे भी जो हमारी चौकियां और थानों के लोग हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनको कहा गया है कि उन जगहों लोगों को यात्रा ना करने दें। देखिए, जैसे मौसम वैज्ञानिकों ने अलर्ट किया, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार आपदा के कंट्रोल रूम पर बैठ कर चिंता कर रहे हैं, और बड़ी दुखद है। आपदा तो ऐसी चीज़ होती है, इस पर किसी का बस नहीं होता है, लेकिन उसके बाद भी लगातार सरकार दौड़ा रही है। कहीं अभी रामगढ़ से खबर आई है कि कुछ दुखद हादसे भी हुए हैं, और लगातार सरकार काम कर रही है। निश्चित रूप से आपदाओं पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन फिर भी सरकार की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द हर एक व्यक्ति को राहत पहुँचाई जाए। देखिए, ऐसा है कि इस पर तो ये जांच के बाद ही पता लगेगा कि क्या स्थिति। और इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही हैं, आपको सुनाते हैं। एक नई क्रांति लाते हैं। आपको क्या लग रहा है कि यूपी में बहुत सारे इश्यूज हैं, ये एक इशू जो है क्या महिलाओं के लिए आपको वाकई लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं उसमें एक जरूरी है कि इस तरीके से महिलाओं को, खासकर जब राजनीति में आएंगे तो ज्यादा इम्पावर्ड होंगी? क्या लगता है आपको ये वजह? आपको क्या लगता है, आप महिला हैं, आप कह रही थी कि काफी समय से आपने यूपी की पॉलिटिक्स देखी है, तो आपको क्या लगता है? जरूरत है क्योंकि बदलाव आएगा ही नहीं अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। हम इंतज़ार करते रहेंगे कि कोई, और जब भी आप देखें तो ज़्यादातर जो पुरुष पॉलिटिशियंस हैं जब वो बात करते हैं तो वो इन टर्म्स में बात करते हैं कि माताओं, बहनों, बेटियों, आपकी सुरक्षा करेंगे, आप पर नियंत्रण होना चाहिए। ये क्या बात हुई? आपने कभी सुना है कि कोई कह रहा है कि पिताओं, भाइयों, बेटों क्यों नहीं कहते? हम महिला हैं तो हमारा भी अस्तित्व है, हमें शक्ति है, हमें क्षमता है, तो हमें लड़ना चाहिए। तो मेरी तो ये बिलीफ है कि क्यों नहीं, सबसे बड़ा तबका कौन सा है? अब जब भी राजनीति की बात करते हैं तो लोग कहते हैं ना कि ये कौन है आपके साथ, ये है वो, सबसे बड़ा तबका कौन सा है? महिलाएं हैं। और आज क्या चाहती हैं,
अपना भविष्य बनाना चाहती हैं, खासतौर से जो नौजवान महिलाएं हैं जो काम फिर के लिए जाती हैं, उनको डर लगता है कि कोई कुछ हो ना जाए उनको, ये माहौल चाहते हैं हम क्या अपने प्रदेश में? बिल्कुल, क्योंकि जब पावर हाथ में आएगा तो क्यों नहीं बदलाव आएगा। आज सत्ता का मतलब क्या है उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में आप देखिए सत्ता का मतलब क्या है कि आप खुलेआम पब्लिक के सामने लोगों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल सकते हो, आपको कोई नहीं कहेगा कुछ। बट ये तो गलत है ना। असली सत्ता क्या है कि आप उस सत्ता को इस्तेमाल करो लोगों की मदद करने में, बदलाव लाने में, समाज को बदलने में, राजनीति को बदलने में। तो मेरी समझ में तो इस सबसे अच्छी तरह से ये कार्य जो है महिलाएं ही कर सकती हैं। जो अदर पार्टीज हैं वो भी चाहे वहाँ की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी महिला क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने नहीं देते हैं टिकट्स को। तो आपको लगता है कि और पार्टियों को सलाह होगी कि जैसे कांग्रेस? मेरी तो पूरी तरह से सलाह, क्यों नहीं दीजिए, मौका दीजिए, ट्राई तो करिए, शुरुआत तो कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए। पर बातें ही हैं ना, बातें ही हैं। आज देखिए पंचायती राज के द्वारा जो पहले 33% का था 50 हो गया, उसका गर्व है हम सबको। लेकिन जब जैसे ही आप विधानसभा के चुनाव या लोकसभा चुनाव तक आए तो एकदम वो परसेंटेज फॉल कर रही है। मतलब 1952 से लेकर अब तक मात्र 10% का फर्क आया है। 5% 1952 में थी और अब 14.26% के तकरीबन है। तो विधानसभा में हमारी मेरे ख्याल से 4000 से ज़्यादा विधायक हैं और कुछ 334 या ऐसा कुछ नंबर है जो 300-350 तक ही सीमित है महिलाएं। तो ये नहीं होना चाहिए ना, अगर भागीदारी है तो पूरी तरह से होनी चाहिए। आफ्टर ऑल आधी आबादी तो हैं हम। अब वो निगोशिएट करना पड़ता है ना, पुरुष बहुत हैं कांग्रेस में। मैंने कहा यहाँ से शुरू करेंगे और 24 में होपफुली 50 करेंगे। हम आशा, मेरी इच्छा तो यही थी 50 की। ये जो यूपीसीसी का एक मूव है जो बड़ा आपने सीजन आ दिया है, क्या आप इसको अदर? बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में हर गरीब का अपने घर का सपना साकार हो रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अथक प्रयासों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मजबूत इच्छा शक्ति से उत्तर प्रदेश में हर गरीब को खुशियों की चाबी मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना 2022 तक देश के हर गरीब का घर हो अपना, उत्तर प्रदेश में साकार होता दिख रहा है। शिमला जी बताइए, पहले कहाँ रहती थी आप और अब मकान मिल गया, कैसा मकान मिला है? पहले भी हम यहीं रहते थे और पहले हमारा कच्चा और टूटा पुराना मकान था और अब हमारा पक्का और अच्छा बन गया है, इसलिए अब भी हम यहीं रहते हैं। वाह। यूपी में बीते 4 वर्ष के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 42 लाख से अधिक लाभार्थियों को आवास दिया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अब तक 42 लाख से अधिक परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया है। प्रदेश में गांव गरीब और बेघरों को न सिर्फ पक्के घर बल्कि भूमिहीन बेघरों को मकान के लिए जमीन मुहैया कराने की योजना भी परवान चढ़ रही है। धन भाग मैंने हमें घर दही दिन बनवाए दिन रहाई लागे आराम से। कच्चा घर था, अब हमें पक्का घर मिल गया, हमें एक पक्का मिला, एक बरामदा, एक किचन मिला, हम बहुत खुश हैं। गरीब के सिर पर पक्की छत का सपना अब हकीकत में बदल रहा है। सोच ईमानदार, काम दमदार, छा गई योगी सरकार। सुबह के लिए उड़ चला घरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करते हैं अगली खबर की। खबर चंपावत से है जहां आसमान से हो रही आफत की बारिश ने 2013 की एक बार फिर से याद ताजा कर दी है। चंपावत जिले के टनकपुर में शारदा नदी के रौद्र रूप में शारदा नदी के आसपास के इलाके जलमग्न हो चुके हैं। प्रशासन द्वारा सुबह से ही राहत बचाव कार्य जारी है। एसडीआरएफ की टीम द्वारा घरों से निकालकर बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित जगह पर ले जाने का कार्य लगातार किया जा रहा है। हमारे यहाँ
अरे भाई मना करो, क्या काम ऐसा जो आप जा रहे हो? जान से ज्यादा क्या कीमती है? दुकान और इसके बाद आपको दिखाते हैं कुशीनगर की तस्वीरें। आज प्रधानमंत्री का कुशीनगर दौरा है, उस तमाम तैयारी का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर पहुंचे हैं। तमाम तैयारियों के साथ ही साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया है। आज प्रधानमंत्री कुशीनगर पहुंचेंगे। कुशीनगर को तमाम परियोजनाओं की सौगात के साथ ही साथ पूरे शहर को गुलदस्ते की तरह सजाया गया है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के मंच के लिए कलकत्ता से फूलों को मंगाया गया है और विशेष तौर पर तैयारी की गई है। और ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री के आगमन से पहले पूरे कुशीनगर को दुल्हन की तरह सजाया गया है, फूलों से विशेष सजावट की गई है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बात करेंगे अगली खबर की। लगातार हो रही बारिश से पहाड़ों व तराई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो चुकी है, जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। चंपावत जिले के टनकपुर में शारदा अपना रौद्र रूप दिखा रही है, तो वहीं भारत नेपाल को जोड़ने वाली शारदा बैराज पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्थानीय प्रशासन के द्वारा नदी के किनारे रहने वालों को हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। भाई मना करो, क्या काम ऐसा जो आप जा रहे हो? जान से ज्यादा क्या कीमती है? खबर नैनीताल से है, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते नैनीताल की सड़कों में जगह जगह मलबा आने से यातायात प्रभावित हो रहा है, तो वहीं लोअर माल रोड जलमग्न हो चुकी है। बारिश के कहर से ठंडी सड़क में विश्वविद्यालय का छात्रावास भूस्खलन के चलते खतरे की जद में आ रहा है। रविवार से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते छात्रावास का बरामदा तक टूटकर झील में समा गया है, जिसके बाद भवन को खतरा उत्पन्न हो चुका है। उधम सिंह नगर में दो दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते जिला मुख्यालय रुद्रपुर में कल्याणी नदी का जलस्तर बढ़ा, जिस कारण रुद्रपुर में भूत बंगला क्षेत्र में 50 से अधिक परिवारों में पानी घर में घुस जाने के कारण आनन फानन में इसकी सूचना पुलिस व जिला प्रशासन की टीम को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने सभी को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। शिद्दत से लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रहे। तो ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, आप किस तरह से यहाँ पर पुलिस ने तमाम लोगों को रेस्क्यू किया। आप देख पा रहे हैं कि पानी के भीतर की जाकर यहाँ पर लोगों की मदद करते हुए पुलिस के जवान नजर आ रहे हैं। रुद्रपुर में आप देख पा रहे हैं, जिस तरह से भारी बारिश के चलते पूरे उत्तराखंड में जगह जगह हालात बद से बदतर बने हुए हैं। ऐसे में रुद्रपुर में 50 लोगों से अधिक लोगों के फंसे होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और तमाम लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। उत्तराखंड में हो रही बारिश के चलते अब आफत का रूप बारिश ले चुकी है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की समस्या तो कहीं राजमार्गों पर जाम की समस्या बनी दिखाई पड़ रही है। हरिद्वार के मैंगलोर में बारिश अपना कहर बरपा रही है। आसमान से गिरता पानी किसानों की फसलों पर आफत बनकर टूटा है। किसानों की लहराती फसलों में धान की फसल बारिश की भेंट चढ़ चुकी है। आलम यह है कि किसान और कर्जदार बनता जा रहा है, तो वहीं किसानों की उम्मीद अब सरकार से लगी है। अपनी फसलों की इस तरह की बर्बादी देखकर अन्नदाता भी बहुत परेशान है और सरकार से मुआवजे की मांग कर रहा है। दो दिन हुई बारिश से उत्तराखंड में तबाही मच गई है। जहाँ एक और पहाड़ी क्षेत्रों में मलबा गिरने से काफी नुकसान हुआ है, वहीं प्लेन क्षेत्रों में बारिश का पानी खेतों में घुसने से फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है, फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। इस वक्त हम मंगलोर के एक ऐसे ही धान के खेत पे खड़े हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये धान का खेत है। धान की फसल पूरी तरह ख़राब हो गई है, खेतों में पानी भर गया है
और ये धान की फसल जो कि पूरी तरह तैयार थी, कटने की कुछ समय ही बाकी था, लेकिन जो पानी हो या बारिश हुई है उससे धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। किसानों की परेशानी और बढ़ गई है, किसान वैसे ही परेशान हाल हैं, लेकिन अब ऐसे समय हुई बरसात से किसानों की परेशानी और बढ़ा दी है। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलोर। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां भारतीय सेना में सेवा के दौरान शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को राज्य सरकार के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री व सैनिक कल्याण मंत्री की ओर से 20 अक्टूबर से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं रुद्रप्रयाग जनपद के विकास खंड जखौली में 11 नवम्बर, जबकि 16 नवम्बर को विकास खंड अगस्तमुनि व ऊखीमठ में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को ताम्रपत्र के साथ ही साथ प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले उत्तराखंड के रिखड़ी खाल ब्लॉक के शहीद नायक हरेंद्र सिंह रावत को पुष्प चक्र अर्पित करने के लिए उनके पैतृक गांव पीपलसारी पहुंचे, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने शहीद नायक हरेंद्र सिंह रावत को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके उपरांत उनके द्वारा शहीद परिवार को सांत्वना दी। गणेश कोदियाल ने कहा कि उन्हें बेहद दुख है कि नायक हरेंद्र सिंह रावत देश की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। भारी वर्षा के कारण उनके जो ग्राम की जो सड़क है वो पैदल मार्ग है, वहां पर वो अभी चलने में असमर्थ है, इसलिए उनके शव, उनके जो पार्थिव शरीर है उसको रखा गया है। अभी वहां पर डीप फ्रीजर का व्यवस्था भी किया गया है। उसके उपरांत जो है अभी वर्षा का जैसी तीव्रता कम हो जाती है, उसके उपरांत उनके शव को मिलिट्री सम्मान के साथ ही मिलिट्री का जो टीम आई है उनके साथ में उनके पैतृक ग्राम तक उनको ले जाने की व्यवस्था की जाएगी। खबर हरिद्वार से है, जहां लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने 4 घंटे रेल यातायात बाधित रखा, जिससे 30 ट्रेन बाधित रही। पुलिस प्रशासन के अधिकारी किसान यूनियन के पदाधिकारियों को ट्रैक से हटने के लिए मनाते रहे, लेकिन किसान ट्रैक पर जमे रहे। किसानों ने नारेबाजी करते हुए मंत्री के इस्तीफे व गिरफ्तारी की मांग की है। अधिकारियों के समझाने के बाद 2 घंटे पहले ही धरना समाप्त किया गया। हो या सफल को हो, बाकी जो हमारा आदेश है हम अपने टाइम पे यहाँ पहुँच गए और 4 बजे तक यहाँ रहेंगे। और एक बात सुनो मेरी बात, या सफल और ये कह दे, आज किसान तो इतनी लड़ाई भी लड़ रहा है, बाकी लोगों को तो बोलने तक नहीं दे रहे, उनके हालात देखो, किसान तो आज पूरे देश की लड़ाई लड़ रहा है। और किसान को आप असफल को हो या सफल को हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमारा अपना काम जो आदेश होगा उसके अनुसार हम अपना करते रहेंगे, वह असफल हो या सफल हो। विधानसभा गदरपुर में एक दिवसीय भारतीय किसान जनता पार्टी प्रबुद्ध सम्मेलन, भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन कर रही है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारत के रक्षा राज्य मंत्री नैनीताल, लोकसभा के सांसद अजय भट्ट ने शिरकत की। जैसे कि 2022 के चुनाव कुछ दिन बाद चुनाव शुरू हो जाएगा, गदरपुर में विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री, गदरपुर विधानसभा के विधायक अरविंद पांडे, राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ। भारतीय जनता पार्टी का प्रबुद्ध वर्ग यह आयोजन पहले से तय था और हम लोगों का सौभाग्य है कि आज इस प्रबुद्ध वर्ग के आयोजन में हमारे केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी का आज आशीर्वचन प्राप्त हुआ। और प्रबुद्ध वर्ग का ये सम्मेलन इसीलिए आवश्यक है क्योंकि इस समय जो देश की नेगेटिव ताकतें हैं, जो सत्ता पाने के लिए देश को खोखला कर रही हैं, उनको कैसे जवाब देना है। पार्टी समय समय पर इस किस्म के आयोजन करती है। आज प्रबुद्ध जनों के बीच में एक हम लोगों का विचारों का आदान प्रदान हो, हम क्या कर रहे हैं, हमारी सरकारें क्या कर रही हैं, हमको देश को आगे ले जाने के लिए क्या करना है।
रुद्रप्रयाग ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे सिरोड़बगड़ में बंद रहा। यहां पत्थर गिरने के कारण घंटों तक हाईवे खोला नहीं जा सका। कई यात्री और लोकल वाहन वैकल्पिक मार्ग से आवाजाही करते नजर आए। अन्य जगहों पर भी पत्थर गिरने से खतरा बना हुआ है। वहीं केदारनाथ हाईवे पर रुद्रप्रयाग संगम बाजार में फिर हादसा होते होते टला। यहां पहाड़ों से पत्थर गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। हाईवे पर वाहन जोखिमों के बीच आवाजाही चल रही है। केदार घाटी में कई जगहों पर हाईवे पर लोगों को दिक्कतें हुई। वहीं आधा दर्जन ब्रांच सड़कों पर बारिश की वजह से वाहनों की आवाजाही में परेशानियां सामने आई। हालांकि प्रशासन ने बंद सड़कों को खोलने के लिए जेसीबी तैनात करने के निर्देश दिए हैं। और इसी बीच झांसी से बड़ी खबर आ रही है। झांसी से खबर, झांसी में डेंगू का खतरनाक B3 रूप मिला। मेडिकल कॉलेज से लखनऊ भेजे गए सैंपल में पुष्टि। KGMU से सैंपल मांगे गए। झांसी में सैंपल भेजे गए, 90% सैंपल में D2 स्ट्रेन। KGMU में सैंपल मांगे गए थे। झांसी से सैंपल भेजे गए, 90% सैंपल में D2 स्ट्रेन सामने आया, जबकि 10% सैंपल में D3 स्ट्रेन की हुई पुष्टि। और इसी खबर पर झांसी से हमारे संवाददाता कुलदीप अवस्थी बने हुए हैं। जी कुलदीप, जिस तरह से झांसी में D3 स्ट्रेन का मामला डेंगू को लेकर सामने आ रहा है, बताया जा रहा है कि ये बहुत ही खतरनाक स्ट्रेन है और इसकी पुष्टि अब रिपोर्ट में कर दी गई है, क्या कुछ ताजा जानकारी है? देखिए, झांसी के अंदर मेडिकल कॉलेज में, जिला अस्पताल में लगातार बार्डो को आरक्षित किया गया था और यहाँ पर ये प्रयास किया जा रहा था कि यहाँ पर सैंपल की जांच हो पाए। जांच भी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा जो प्राइवेट नर्सिंग होम है वहां पर भी व्यवस्था बढ़ा दी गई है। झांसी जिलाधिकारी आंद्रा बामसी की तरफ से इस पर पूरी नजर रखी जा रही है और जो भी इसके बचाव हैं, जो इसके कारण हैं, इन सबके बारे में लगातार जागरूक किया जा रहा है। यहाँ पर जो पूरे झांसी में आसपास में जो भी यहाँ पर होर्डिंग्स के माध्यम से, बैनर के माध्यम से, और अभी जो नई व्यवस्था शुरू हुई है यहाँ पर ट्रैफिक लाइट की, वहाँ पर साउंड व्यवस्था है, तो उसके माध्यम से नगर निगम के ICCC से भी लगातार लोगों को अवेयर किया जा रहा है। और इन सारी बातों को देखते हुए यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको बिल्कुल चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है, जिससे कि समस्या कोई सामने ना आ सके। लेकिन ये वाकई चिंता की बात है कि जो लखनऊ के KGMU से सैंपल मांगे गए थे, यहाँ से जांच के सैंपल भेजे गए जिसमें 90% में D2 स्ट्रेन मिला है, जबकि 10% में D3 स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। जी बिल्कुल कुलदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से झांसी में भेजे गए सैंपल्स में बताया जा रहा है कि 10% में D3 स्ट्रेन की पुष्टि हुई, बताया जा रहा है कि ये स्ट्रेन काफी खतरनाक है सेहत के लिहाज से, और ऐसे में तमाम एहतियाती कदम झांसी में उठाए गए हैं। हमारे संवाददाता ने इस बात की जानकारी दी है कि बैनर से लेकर तमाम प्रचार के द्वारा लोगों को चेताने का प्रयास किया जा रहा है। और इसके बाद बात करेंगे बनारस की। बनारस से खबर आ रही है, बदायूं से खबर, तेज रफ्तार का कहर बदायूं में जारी, कार ट्रक की भिड़ंत का मामला। बदायूं से खबर, कार ट्रक की भिड़ंत का मामला, सड़क हादसे में हुई 3 की मौत, कार में सवार 6 लोग हुए घायल। बदायूं से खबर, बारात को वापस लेकर आ रही थी कार, दुल्हन समेत तीन लोगों की मौके पर हुई मौत। वजीरगंज थाना क्षेत्र के नदवारी गांव की घटना। बारात को वापस लेकर आ रही थी कार। बदायूं से खबर, तेज रफ्तार का कहर, कार और ट्रक की भिड़ंत में 3 लोगों की मौके पर ही मौत। और ये आप कार देख पा रहे हैं किस तरह से जबरदस्त भीषण हादसे में कार की स्थिति साफ दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि ट्रक और कार की टक्कर। जनपद बदायूं में सायंग वजीरगंज थाना क्षेत्र में सैदपुर नदवारी के पास एक दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट की घटना हुई है, जिसमें यहाँ शहर के बाबा कॉलोनी बदायूं से बारात गई थी दबतौली बिसौली क्षेत्र में, वो वापस लौट रही थी और इको गाड़ी तथा ट्रक के बीच में भीषण एक्सीडेंट हुआ, जिसमें
तीन लोगों की मृत्यु हो गई है और छः लोग घायल थे। चार लोगों को बरेली रेफर किया गया है जिला अस्पताल बदायूं से। दो लोग प्राथमिक उपचार के बाद यहां से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। हेलो, मैं धनराज, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट। जब दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से मुझे विशाल सर एज मेंटोर मिले तो मैंने सोचा इस मेंटोरशिप से कुछ होगा, लेकिन सर हुआ। मुझे ना साइंटिस्ट बनना है, लेकिन इसके लिए कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ, कहाँ अप्लाई करूँ, ये सारे सवाल मेरे सामने खड़े थे। साथ ही खड़े थे पापा, अपनी उम्मीद लेकर कि मैं उनके जैसा कोई सेफ सा जॉब पकड़ कर जल्दी जल्दी सेटल हो जाऊँ। और बस इन परिस्थितियों में मैंने अपने साइंटिस्ट बनने के सपने को दबा दिया। लेकिन जब मैंने अपने मेंटर विशाल सर से बात करना शुरू किया तो एक कॉन्फिडेंस मिला। उनके गाइडेंस से मेरे अंदर फिर से साइंटिस्ट बनने की उम्मीद जगी, मुझे रास्ते मिले। और विशाल सर ने सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पापा के अंदर भी उम्मीद जगाई कि उनका बेटा एक दिन साइंटिस्ट जरूर बनेगा। थैंक यू विशाल सर मेरे मेंटोर बनने के लिए। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे, बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 7500400004 पर मिस्ड कॉल दें। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। खबर रुड़की से है, जहां श्री कृष्ण वैदिक संस्थान पर मां पीताम्बरा बगलामुखी की मूर्ति की स्थापना की गई, जिसमें दूर दराज से आए भक्तजनों ने भाग लिया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मेयर रुड़की गौरव गोयल व वरिष्ठ भाजपा नेता संजय अरोड़ा मौजूद रहे। आपको बता दें कि रुड़की शहर में माँ बगलामुखी पीताम्बरा की पहली मूर्ति की स्थापना की गई है, जिसको लेकर भक्तजनों में खासा उत्साह देखने को मिला। दूर दराज से आए भक्तों ने कार्यक्रम में भाग लिया है। आचार्य लोकेश शास्त्री ने बताया कि देवभूमि रुड़की में मां बगलामुखी पीताम्बरा की पहली मूर्ति की स्थापना की गई। रुड़की क्षेत्र में मां बगलामुखी पीताम्बरा जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ये बहुत सौभाग्य की बात है। अब जिस कार्य के लिए हम दतिया जाकर के माँ पीताम्बरा जगत में बांटते हैं, सभी संसार का कल्याण करने की कामना के साथ करते हैं और रुड़की पर उनकी विशेष कृपा है। आज जिस तरह से बगलामुखी माँ पीताम्बरा जी की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ हुई है, निश्चित रूप से इस पूरे क्षेत्र में शांति के लिए, सौहार्द के लिए, सब निरोगी रहें, सब स्वस्थ रहें, इस कामना के साथ में आज ये यज्ञ सम्पन्न किया है। बगलामुखी जिन्हें आटा स्वरूप कहा जाता है, आज उनके मूर्ति का अनावरण था और माँ बगलामुखी का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, ऐसी कामनाओं के साथ हमारे आदरणीय आचार्य लोकेश शास्त्री जी ने ये कार्यक्रम यहाँ रखा और हवन पूजन के उपरांत उन्होंने भंडारे का आयोजन किया हुआ था और यहाँ क्षेत्र के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित थे और माँ का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, ऐसे आचार्य जी की कामना थी। और वास्तव में माता का आशीर्वाद जिसके ऊपर भी रहता है, अगर घर में भी माँ का आशीर्वाद है तो वास्तव में वो घर फूलता फलता है।
प्रदेश सहित जनपद पौड़ी में बारिश का कहर लगातार बना हुआ है। लगातार हो रही बारिश के कारण जनपद पौड़ी के अंतर्गत आने वाले लैंसटाउन तहसील के समखाल में मलबा आने से 5 लोग मलबे के नीचे दब गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई करते हुए उक्त स्थान पर राहत व बचाव कार्य जारी किया गया, जिसके उपरांत मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया। मलबे में दबे 5 लोगों में से 2 लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जिनके उपचार हेतु बेस अस्पताल कोटद्वार भेजा गया है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जो है भारी वर्षा का अनुमान लगाया गया था, 17 और 18 तारीख का उसका अनुमान था। आज सुबह से ही लगातार बारिश हो रहा है और पौड़ी लैंसडाउन इन क्षेत्र में ज्यादा बारिश हो रही है, लगभग 40 मिलीमीटर से लेकर 45 मिलीमीटर का बारिश इन 2 तहसील क्षेत्र में हुआ है। अन्य तहसील में भी वर्षा हो रही है, हल्की से लेकर मध्यम वर्षा हो रही है। पूरे जनपद में जो एवरेज वर्षा हुआ है वो 30 मिलीमीटर का लगभग हुआ है। अभी वर्षा कई जगहों में चल रहा है। एक दुखद घटना भी हुआ है, लैंसडाउन क्षेत्र में समखाल जो नामक जगह है वहाँ पर एक निर्माण कार्य चल रहा था, उसके अंदर 5 मजदूर अपना टेंट लगाकर वहाँ पे रुके हुए थे, उसमें से 3 महिलाओं का मृत्यु हो गया और 2 जो घायल हो गए थे। पौड़ी गढ़वाल में लगातार 30 घंटे से ऊपर से बारिश को जो देखने को मिल रहा है। एक दुखद खबर जनपद पौड़ी गढ़वाल से आ रही है, लैंसडाउन क्षेत्र से, जहाँ की अभी 3 महिलाओं की मृत्यु हो चुकी है। एक टेंट के नीचे जो कहा जा रहा है प्रशासन के द्वारा कि वहाँ पे कुछ काम चल रहा था और काम के बावजूद वहाँ पे अपने टेंट जो लगाया हुआ था उस टेंट के अंदर वो अपने थे। वहाँ पे 5 लोग उसमें नेपाल के मूल रूप के बताए जा रहे हैं, वो मजदूर बताए जा रहे हैं, जिनमें 3 महिलाओं की मृत्यु हो चुकी है और 2 घायलों को कोटद्वार अस्पताल में उनका इलाज के लिए भेजा गया है। वहीं प्रशासन की बात करें जिला अधिकारी महोदय की विजय कुमार चौकंडे, तो लगातार क्षेत्र अपने जब बारिश के कारण से जहां पे अलर्ट जारी हो रखा मौसम विभाग का, तो वहीं पे आपका कंट्रोल रूम पे निगरानी पे लगे पड़े हैं उप जिला अधिकारी, तमाम सभी अधिकारी। लेकिन एक दुखद खबर जो देखने को मिली है लैंसडाउन से आ रही कि 3 महिलाओं की मृत्यु हो चुकी है और 2 घायलों को कोटद्वार अस्पताल में इलाज चल रहा है। के न्यूज इंडिया के लिए पौड़ी गढ़वाल से भगवान सिंह की रिपोर्ट। लालकुआ विधानसभा क्षेत्र की खड्डी मोहल्ला, राजीव नगर बगली क्षेत्र के अलावा नगीना कॉलोनी, बिंदुखत्ता समेत कई क्षेत्रों में स्थिति विकट। भारी बरसात से क्षेत्र में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है, साथ ही कहीं कॉलोनियां जलमग्न, तो कहीं भाजपा नेता व पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन चौहान ने क्षेत्र में जलमग्न से बिगड़े हालातों व प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। भाजपा नेता पवन चौहान ने प्रशासन से लोगों की हर संभव मदद करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी मनीष कुमार, सहायक पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार, कोतवाल संजय कुमार ने प्रभावित लोगों की मदद का आश्वासन दिया। प्रशासन की टीम ने सभी जलमग्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। राजधानी देहरादून में बेरोजगार युवाओं को ठगने का एक बड़ा मामला सामने आया है। जालसाजों ने सचिवालय और परिवहन विभाग में नौकरी का झांसा देकर 9 युवकों से 62 लाख रुपए की ठगी की है। इस रकम में कुछ पैसा उत्तराखंड विधानसभा में भी लिया गया है, इस कारण युवकों ने आसानी से यकीन कर लिया। साथ ही आरोपियों ने खुद को सचिवालय में सचिव, अपर सचिव बताया था। पीड़ित सहित अन्य लोगों ने इसकी शिकायत SSP और थाना पटेल नगर द्वारा प्राथमिक जांच के बाद 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। और इसी बीच गोंडा से बड़ी खबर आ रही है। गोंडा से बड़ी खबर, घाघरा सरयू नदी का फिर बढ़ा जलस्तर। गुना से खबर, बेमौसम बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त। घाघरा सरयू नदी का फिर बढ़ा जलस्तर, 2 दिन में 5 लाख से ऊपर पानी डिस्चार्ज। नदी के तटवर्ती इलाकों में फिर से बाढ़ का खतरा। बारात को वापस। गोंडा की खबर की बात करें, वजीरगंज थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर दुल्हन को वापस लेकर बारात आ रही थी, बारात को वापस लेकर कार आ रही थी,
और इसी खबर के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।